के बाबा यानी संजय दत्त की बात करें तो संजय दत्त एक बार फिर से बड़े पर्दे पर वापसी करने के लिए अपनी धमाकेदार बैक टू बैक मूवीज देने के लिए रेडी हैं। जी हाँ, उनके फैंस के लिए काफी अच्छी खबर है कि संजय दत्त के पास एक से बढ़कर एक बड़ी मूवीज हैं। फिर चाहे वो उनकी आने वाली मूवी भुज द प्राइड ऑफ इंडिया की बात हो, या फिर प्रस्थानम, या शमशेरा, या फिर पानीपत, जी हाँ काफी बड़ी मूवीज में नजर आने वाले हैं संजय दत्त। उनकी मूवीज की लिस्ट भी काफी लंबी है। इसके अलावा अगर हम बात करें संजय दत्त के फैंस के लिए, एक और बड़ी खबर और एक खुशखबरी और भी हाजिर है। जी हाँ, संजय दत्त फिलहाल अपनी आने वाली मूवी प्रस्थानम के प्रमोशंस में बिजी हैं। और अगर हम प्रस्थानम फिल्म की बात करें तो इसके लिए जबरदस्त तरीके से प्रमोशंस किए जा रहे हैं। संजय दत्त एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं प्रमोशंस के चलते, और इन्हीं प्रमोशंस के चलते संजय दत्त ने अपने फैंस को एक और खुशखबरी भी दे दी है। जी हाँ, ये खुशखबरी ये है कि अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म यानी पृथ्वीराज चौहान में हमें संजय बाबा भी नजर आने वाले हैं। संजय दत्त ने प्रस्थानम के प्रमोशंस के दौरान ही ये बात जाहिर की है और साथ ही साथ बताया है कि वो अक्षय कुमार के साथ भिड़ते हुए नजर आने वाले हैं। वेल, अक्षय कुमार को संजय दत्त से जीतने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अब ये तो हमें फिल्म देखने पर ही पता चलेगा। वेल, फिलहाल आपको बता दें कि रिसेंटली पृथ्वीराज चौहान की फर्स्ट लुक जो है वो हमारे सामने आई थी और ये बताया गया था कि अक्षय कुमार इसमें हमें नजर आने वाले हैं पृथ्वीराज चौहान का कैरेक्टर निभाते हुए। अब हमें देखना ये होगा कि संजय दादा किसका कैरेक्टर निभाते हैं और कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में वो हमें नजर आते हैं और कितनी ज्यादा जबरदस्त भिड़ंत रहती है अक्षय कुमार यानी खिलाड़ी कुमार और संजय बाबा के बीच में।